हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एंड उम्मीद करती हूँ आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही है। तो बस आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्योर वेजिटेरियन थाली, जिसमें लहसुन या प्याज का उपयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी ये रेसिपी जो उड़द दाल से बनी है। साथ में है आलू पोस्तो, और उड़द दाल और आलू पोस्तो एक बहुत ही क्लासिक बंगाली कॉम्बिनेशन है। और साथ में सर्व कर रही हूँ धोखा डालना। तो ये बनता है नारियल और चना दाल के साथ और बहुत ही यमी है। और मीठे में है आम शोतो चटनी, जिसे आम पापड़ के साथ बनाया जाता है। आप इसे आम पापड़ की चटनी भी कह सकते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी ये बताने के लिए कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल बटन को प्रेस करते हो तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सो उम्मीद करती हूँ आप एंजॉय करोगे वीडियो को। हर एक रेसिपी के लिए अदरक और मिर्ची का पेस्ट चाहिए, जो मैंने इकट्ठे बना लिया है। तो सबसे पहले उड़द दाल के लिए मैंने धुली उड़द दाल ली है, जो कि है 1/3 कप, और इसे सूखे कढ़ाई में हल्के आंच पे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं होता। फिर मैंने इसे धो के 1 कप पानी में उबाल रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है, और मैं इसे उबालूँगी 4 विसल तक। अब तड़के की तैयारी। हरी मिर्ची, साथ में डाल रही हूँ हींग, और 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसमें डालूँगी मैं सौंफ का पाउडर करीब 1/2 चम्मच। ट्रेडिशनली इसमें सौंफ का पेस्ट यूज़ किया जाता है, तो अगर आप चाहो इसे अदरक के साथ पीस लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है। तो बस एक बार फिर से दाल को इसमें मिक्स करके 1 उबाल तक उसे पकाऊंगी और दाल हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो साथ में है आलू पोस्तो, जिसे कलाई के दाल के साथ सर्व किया जाता है या उड़द दाल के साथ सर्व किया जाता है। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे साफ करके काट लिया है। अब खसखस का पेस्ट, जो पोस्तो बोलते हैं हम, खसखस का पेस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3 बड़ा चम्मच खसखस। उसमें है 1 हरी मिर्ची, और मैं इसको पहले पानी के बगैर ही इसका एक पेस्ट बना लूँगी, जिससे वो खसखस बिल्कुल पीस जाएगा। उसके बाद उसमें डालूँगी थोड़ी सी पानी, करीब 2 बड़े चम्मच, और इसका फिर से मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से पीस चुका है। तो बस खसखस का पेस्ट अभी तैयार है। तो अभी हम आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और तेल में डाला है करीब 1/2 चम्मच काला ज़ीरा या कालोंची, और अब मैं आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी करीब 5 मिनट मीडियम आंच पे। और तब तक फ्राई करूँगी जब तक आलू आधा पक नहीं जाता। उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, और बस फिर से मैं एक बार चला लूँगी इसे अच्छी तरह से। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। आप देख सकते हो कि आलू में हल्का हल्का सा वो गोल्डन ब्राउन मार्क देख सकते हो। तो बस अभी मैं इसमें डाल दूँगी खसखस का पेस्ट, और साथ में डालूँगी 1/2 कप पानी। इस पेस्ट को पकाने का ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी इसे फिर से एक बार एक मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है, आप चाहो तो हल्दी डाल सकते हो। तो बस इसे अभी कवर करके मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, या तो फिर जब तक आलू पूरी तरह से पक नहीं जाता। जब आलू पक गया है, मैंने डाल दिया है 1 हरी मिर्ची, जिसको मैंने स्लिट कर लिया है, और साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, और डालूंगी 1/2 चम्मच मीठा चीनी। आप चाहो तो शहद भी डाल सकते हो। तो बस अभी इसको चला के मैं निकाल दूंगी, और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी के साथ भी बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, रोटी या पूरी के साथ।
तो अभी थर्ड रेसिपी जो है वो है धोखा डालना। ये बहुत ही यमी होता है खाने में, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे चना दाल और नारियल के साथ पकाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ्रेश नारियल निकालती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है ये फ्रेश नारियल, जिसके मैं पीसेस निकाल लूँगी। और इसका जो पिछला हिस्सा होता है, ब्राउन स्किन एक कोटिंग रहता है, उस हिस्से को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें नारियल को ग्रेट करके भी बाद में ऐड कर सकते हो चना दाल के पेस्ट के साथ, लेकिन मैं दोनों को इकट्ठे करती हूँ और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी किस तरह से। तो बस अभी मैंने नारियल के पीसेस कर लिए हैं। एक कप चना दाल मैंने रात भर भिगो के रखा था, पानी उसका ड्रेन कर लिया है और इसे मैं पेस्ट करूंगी एक मिर्ची के साथ। दरदरा पेस्ट किया है मैंने, आप देख सकते हो। अब इस पॉइंट पे मैं इसके साथ वो नारियल जो भी मैंने निकाला था उसको ऐड करूंगी और साथ में डालूंगी करीब 2 चम्मच पानी और फिर मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अब जब नारियल को बीच में ऐड करते हैं तो चना दाल बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, लेकिन नारियल थोड़ा दरदरा रह जाता है। बस अभी इसमें नमक मिक्स करके मैं उसे निकाल लूंगी। अभी हमें इसे स्टीम करना है और एक केक के तरह उसे पकाना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है। ध्यान रखिए कि बर्तन करीब 5.5 से 6 इंच के बीच में हो फैला हुआ और डेप्थ उसका करीब 1.5 इंच का हो। तो बस इसमें अभी चना दाल का मिक्सचर मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी। उससे पहले मैंने तेल के साथ इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है बर्तन को। अब बस इसको इवनली फ्लैट करना है ताकि ये इवनली पके। अब इसे कवर करूँगी मैं फॉइल पेपर के साथ, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। तो अच्छी तरह से सभी साइड्स हमें सील कर लेना है ताकि पानी नहीं जाए इसके अंदर। और फिर एक बड़े बर्तन में पानी लेके हमें इसे स्टीम करने बिठाना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने इसे करीब 40 मिनट तक स्टीम किया है। आधा घंटा से 40 मिनट स्टीम करना पड़ता है मीडियम टू हाई हीट में। एक बार ये पक जाए तो मैं इसे 10-15 मिनट थोड़ा ठंडा होने दूंगी। आप देख सकते हो कि साइड जो है बर्तन का वो इसने छोड़ दिया है, जिसका एक निशानी है कि ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस इसे फिर से चेक कर रही हूँ मैं, इसमें एक चाकू डाल के या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट डाल के आप इसे चेक कर सकते हो। अब एक चाकू की मदद से इसे आप साइड से निकाल लो और फिर उसे निकाल के आप करीब फिर से 10 मिनट उसे ठंडा होने दें और उसके अपने मनपसंद पीसेस में उसे काट लीजिए। आप चाहो तो इसे पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हो और जब पकाना हो तब आप उसे निकाल ले सकते हो। तो बस अभी मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम किया है कढ़ाई में और अभी मैं सारे पीसेस को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये करीब 4 से 5 मिनट लगता है इसको फ्राई होने में। तो बस बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। तो ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे अलग से निकाल के रख दूँगी और आप अगर चाहते हो कि एक्सेस ऑयल निकल जाए इसे एक किचन टॉवल या एक पेपर पे निकाल के रख सकते हो, किचन पेपर पे। तो बस अभी तेल में, उसी तेल में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड किया है, मैंने उसी तेल में 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है। अब रोस्ट कर रही हूँ मैं उसमें आलू, ये करीब 2 आलू हैं। तो मैंने उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और उसको नमक के साथ थोड़ा सा रोस्ट करूंगी करीब 4 से 5 मिनट और फिर इसको थोड़ा सा मसाले के साथ फ्राई करूंगी।
तो बस मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है अदरक और मिर्ची का पेस्ट 1.5 चम्मच, 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और सभी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स करूँगी थोड़ा पानी मिला के, ताकि इसका एक पेस्ट सा रेडी हो जाए। क्योंकि इसमें अलग से कोई और मसाला नहीं यूज़ किया जाता, तो इसमें थोड़ा सा जो ये ड्राई मसाला है इसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बस इसमें हम टमाटर या दही कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो बस अभी आलू फ्राई हो चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं वो मसाला जो अभी मैंने पेस्ट बनाया है। तो बस इस मसाले को अच्छे से पकने देना है करीब 3 से 4 मिनट। अब देख सकते हो पानी सूख चुका है और मसाला बड़ा ही अच्छा स्मेल कर रहा है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी पानी और तेज़पत्ता। ये तेज़पत्ता आप ज़ीरा के साथ भी डाल सकते हो, लेकिन कभी कभी तेज़पत्ता ज़्यादा फ्राई हो जाता है और कुरकुरा बन जाता है और फिर ये टूट के सब्ज़ी में बिखरने लगता है, तो उससे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसीलिए मैंने तेज़पत्ता पानी के साथ डाला है। अभी मैं इसे 3 मिनट उबलने दूँगी। एक बार उबाल आ जाए तो मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने चना दाल का पीसेस फ्राई करके रखा है उसे। तो बस अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और फिर इसे मैंने 5 मिनट कवर करके कुक किया है, ताकि ये जो चना दाल का क्यूब्स है इसके अंदर अच्छी तरह से नमक और सारा जो फ्लेवर है सब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो बस अभी इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के सर्व कर देना है। बस ये हो गया तैयार, अब इसे मैं अलग से निकाल के रखूंगी। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो आम पापड़ का चटनी। इसे प्लास्टिक चटनी भी कहा जाता है। जब मैं छोटी थी तब मैंने ये फर्स्ट टाइम खाया था, करीब +4 में थी तब। तो बस इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम्स मैंने आम पापड़ यूज़ किया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि जल्दी से सोख हो जाए ये पानी में। और इसे मैंने गुनगुने पानी में करीब 20 मिनट भिगो के रखा है। अब मैं इसे कढ़ाई में करीब 5 मिनट पकने दूंगी, ताकि ये पूरा गल जाए और बीच बीच में चलाते रहूंगी, नहीं तो ये चिपक भी सकता है नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी करीब 1 चम्मच किशमिश जो मैंने धो लिया है। आप चाहो तो इसमें खजूर भी यूज़ कर सकते हो, खजूर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पहले तेल में मैंने थोड़े से काजू को रोस्ट कर लिया है, फिर डाला है 1/2 चम्मच पंचफोरन और उसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट। बस इसे थोड़ा सा चला लूँगी और एक बार ये तैयार हो जाए तो मैं इसे मिक्स कर दूँगी जो चटनी है उसमें, और साथ में डालूंगी 1/4 चम्मच नमक। इससे मीठा जो है वो निखर के आता है, नहीं तो बहुत ही फीका सा मीठा लगेगा ये खाने में। तो बस ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे गर्म या ठंडा सर्व करें जैसे भी चाहे। और बस ये थाली हो गया बिल्कुल तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये थाली पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। उम्मीद करती हूँ आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नवरात्रि, बाय।